जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जी आया नू आप लोगों को आपके अपने शो में जिसका नाम है फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। तो जनाब मेरे साथ वही 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 मजेदार सी आवाजें मौजूद हैं, अक्सा ज़ादा और इरम आरिफ। तो इन दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अभी आप लोग बोलिएगा नहीं, दो मिनट खामोश 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 रुक जाए, पहले मुझे बोलने दे ताकि मैं अपनी बड़ा सारी निकाल लूँ, फिर आप लोग बात कीजिएगा। तो जनाब आप लोग कैसे हैं? मैं अपना एक रवायती जुमला बोलने जा रहा हूँ, बहुत दिनों से इसको मैं मिस कर रहा था। कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे दिन गुजार रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो भाई लॉकडाउन के बाद तमाम चीज़ें खुल चुकी हुई हैं, पार्क्स भी खुल चुके हुए हैं और तफरीह मकामात भी खुल चुके हुए हैं और साहिल समंदर भी खुल चुका हुआ है। तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि भाई आप लोग ने किस तरह अब जिंदगी अब इंजॉय कर रहे हैं क्वारंटीन के बाद और महफूज रहते हुए। आई एम श्योर कि आप लोग सब तो तमाम SOPs हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड की गई हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे, अपने लाइफ स्टाइल को गुजार रहे होंगे, अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो हाँ, अब मैं आप लोगों को इजाजत देता हूँ, भाई आप लोग आपस में डिसाइड करके कोई एक बोल ले, फिर उसके बाद दूसरा बोल ले, फिर तीसरा मैं वापस बोल लूंगा। तो आज मेरा दिल बहुत चाह रहा था बोलने का, क्योंकि कल यौम दिफा गुजरा है तो उसकी मुनासिबत से भी हमें बात करनी है। तो जनाब बिल्कुल अब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोग बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों को बदस्तूर तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे इरम आरिफ, और मेरे साथ मेरी एक और भी फ्रेंड मौजूद हैं, तो मैं उनको भी इस शो में बुलाना चाहूंगी। सो अस्सलाम वालेकुम अक्सा ज़ादा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इरम कि आपने मुझे भी माइक जो है वो दे दिया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप लोग माइक देंगे ही नहीं, क्योंकि शायान का इतना बड़ा लेक्चर। मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी की किसी क्लास में बैठी हूँ और लेक्चर सुन रही हूँ। शायान का लेक्चर सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आज शायद ही हमें शो में बोलने का मौका मिले, लेकिन होपफुली हमें मौका मिल गया और हमने बोलना शुरू कर ही दिया। फिर ये तो बिल्कुल सही कह रही हो, और लिसनर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारा शो सुन रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी एक फ्रेंड जो है उन्होंने भी ये शो सुना था, तो उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके बहुत तारीफ भी की थी कि आप लोग ने बहुत अच्छा शो किया और आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप लोग यूट्यूब पे जो है वो शो करते हैं, उनका नाम सारा रुबाब है, तो उन्हें बहुत पसंद आया था और वो कह रही थी कि आप लोग का नेक्स्ट शो क्यों नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा इंतजार में थी कि आप लोग करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इस हफ्ते इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा वो खुश होंगी। तो और बताइए आप लोग। हाँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अक्सर आप देख लें, लिसनर्स भी आपको कह रहे हैं कि भाई कहाँ गायब हो जाती हैं, कभी आप आ जाती हैं कभी नहीं आती, तो भाई ये कौन सा तरीकेकार है? हमारे लिसनर्स हमारा बेताबी से इंतजार करते हैं, तो इस तरह ना क्या करें। मैं आपसे छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी गुजारिश करूंगा ताकि अब तो जा ही नहीं सकती मैं नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब 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 ये बताएं कि सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता यौम दिफा बहुत मुबारक हो, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमें हम जब भी मतलब इस तरह के कोई हमारे दिन आते हैं ना, तो एक जोशो वलवले का सा समा होता है पूरी कौम में, ऐसा ही है ना। मेरे अंदर से ही ना एक अलग सी फीलिंग्स आ रही होती है कि भाई जैसे कि सबसे ज्यादा ही पाकिस्तानी मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, एक अलग सी प्राउड फीलिंग आ रही होती है कि भाई अल्लाह ताला का, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्रिया होता है, शुक्रगुजारी होती है कि भाई उसने हमें इस मुल्क जैसी नेमत से नवाजा है। क्योंकि अब हम अगर देखें तो इरम और आप अक्सा दोनों ही मेरी बात की तायद जरूर करेंगी कि अगर हम देखें तो जिस तरह के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे फलस्तीन हो गया और भी मुख्तलिफ जिस तरह के हमारा अपना ही पड़ोसी मुल्क में देख लें, कश्मीर जो है वो इस नेमत से महरूम है, तो किस तरीके से वो अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, आए दिन उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला का लाख
नहीं बल्कि करोड़ शुक्र है, करोड़ हाँ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें गुलामी की जिंदगी नहीं दी हुई, हमें आजाद जिंदगी दी हुई। हम अपने मुमलकत पाकिस्तान में आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं और जो दिल चाहता है हम लोग करते हैं बिला किसी रोक टोक के। तो अल्लाह ताला का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और अब हम आगे दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बाकी भी जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जितने भी और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे वो कैदोबंद की सोहबतें गुजार रहे हैं और आज़ादी का लुत्फ नहीं चख पा रहे, तो अल्लाह ताला से ये हाथ जोड़ के दुआ है कि वो भी हमारे जैसे हम जैसे जैसे हम आज़ाद हैं तो वो भी आज़ादी का लुत्फ जरूर चखें। बिल्कुल सही कहा आपने, और आमीन। अल्लाह ताला जितनी भी दुआएं आपने सबके लिए मांगी अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, और हम सबकी बिल्कुल यही दुआ है कि जिस तरीके से आज हम लोग जो है वो एक आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जो हमारे कैद मुसलमान हैं या जो दूसरे के उसमें कब्जे में हैं तो वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, इस चीज़ का अंदाजा हम लोग को होता और हो सकता है। क्योंकि कितनी मुश्किलात, जैसे हमारी हिस्ट्री को अगर उठा के देखा जाए, जिस तरीके से जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था तो कितनी जो है मुसलमानों को दुश्वारियां होती थी, वो लोग नमाज नहीं पढ़ सकते थे अपनी मर्जी से, इबादत नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकते थे। यहाँ पे जो भी कुछ होता था, जब हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो वो अंग्रेजों की जो है वो मर्जी से होता था, जो वो चाहते थे वैसा ही होता था। फिर जब हमारा ये दो कौमी नज़रिया पेश हुआ कि जो है वो पाकिस्तान मतलब मुसलमान और हिंदू जो है वो दो अलग अलग कौमें हैं, तो जो है वो उनको एक वो एक साथ नहीं रह सकती और एक साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि इनके नजरियात तसव्वुरात रस्में सब इनकी अलग अलग हैं। तो लिहाजा इनको जो है वो एक आज़ादाना मुमलिकत में कायम किया जाए। तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मतलब हमारे जो लोग थे जो बड़े थे, उन्होंने जो है वो जैसे सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं, तो उन्होंने इस तरह का उन्होंने हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा, उन्होंने जो है कुछ लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। तो ये सब इतनी आसानी से नहीं हो जाता बल्कि बहुत मेहनत से होता है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन ये जो है वो बहुत मेहनत से मिला है और बहुत ज़्यादा इसमें काबिशें हुई हैं, कोशिशें हुई हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आइंदा भी हम सबको हिम्मत अदा करे कि हम सब जो है वो जो लोग हमारे आज़ाद नहीं है कि उनके लिए हम कोशिश करें और उनको आज़ाद करवाएं। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात ज़रूर शेयर करूंगा कि हम यहाँ पे अपना फ़ख्र बयान करते हैं कि असल में हुआ एक था कि जब सूरज तुलू हुआ था 6 सितंबर 1965 का, तो लाहौर पे हमला किया गया था भारत की जानिब से ना, तो उसमें जो हमारा प्राउड असल में ये है कि हमने वसाइल की किल्लत के बावजूद भी हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 45 टैंक्स थे, जिसकी मदद से हमने पहले मरहले में उनके 500 टैंक्स को रोका, ठीक है, हमला करने से। उसके बाद फिर अगले मरहले में 600 टैंक्स उनके हमने तबाह किए थे। और इसी तरह हमारी जो एयरफोर्स है, जो कि हमारे पास थे तकरीबन 19 फाइटर जेट्स, ठीक है जी, तो उसके मध्य मुकाबल आगे थे 104 फाइटर जेट्स, तो जो हमने 19 फाइटर जेट्स की मदद से 104 फाइटर जेट्स को हम लोगों ने ढेर किया था। तो ये देखें, ये हमारा प्राउड है कि हम अजमो हौसले की मिसाल हमने कायम की थी कि सिर्फ असला या कुछ नहीं होता, हिम्मत तो हौसला भी होना चाहिए जंग लड़ने के लिए, जिसकी बेहतरीन मिसाल 1965 में पेश की गई। और वहाँ पे हमारे जो मेजर अजीज भट्टी शहीद थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया और वो हमारा फख्र पाकिस्तान है। तो मेरी तरफ से उन तमाम शहदा को सलूट है और अल्लाह ताला उनकी मगफरत भी करे और उनको गरीक रहमत करे। आमीन। इरम, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी यौम दिफा के बारे में जो कि कल गुजरी है? इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं आप लोगों ने कि मैं बहुत ही मजे से सुन रही थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी कौम इतने जोशो वलवले से, ये जैसे भी पिछले ही दिनों 14th of August गुजरा और अभी फिर कल जो है वो 6 सितंबर, तो इन मोमेंट्स को, इन जो है वो रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं जब से, जैसे कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर इस वक्त तक, जो भी हमने पिछले दिनों शायद 73वां जो है वो जश्न-ए-यौम-ए-आज़ादी मनाया था, तो खुशी होती है
शायद नहीं, यकीनन हम लोगों ने 73वां यौम आजादी मनाया था। और दूसरी बात, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हम आपको बड़ी खुशी हो रही है, हमने अच्छी अच्छी बातें की, तो थोड़ी आप भी कर सकती है, हमने मना नहीं किया आपको, करें करें। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल किसी ने भी मना नहीं किया, और मैं बिल्कुल जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारा मुल्क वतन पाकिस्तान जो है वो इतनी जदोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम अपने इस वतन को समेट कर रखें, और जो है वो जो भी आने वाली आती भी हैं रहती हैं रुकावटें या मुसीबतें, उनका सब मिलकर मुकाबला करें। सिर्फ ये हमारी पाकिस्तानी फौज के लिए ही नहीं है कि सिर्फ वही अपने जानों के नजराने पेश करे या वही जो है वो शहीद हो, ये कोई भी कर सकता है। हम भी मैं खुद ये चाहूंगी कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो भी, तो मैं दरेग नहीं करूंगी इस चीज को करने से कि अपने मुल्क वतन के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो। अगर हमारे फौजी भाई दे सकते हैं बॉर्डर पर या कहीं भी हैं वो, तो किसी तरह भी, या जिन हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, तो हम क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 1965 भी हमने अपनी सलाहियतों के जौहर नहीं दिखाए, बल्कि आगे भी हम लोग चलते रहे, पेश रहे। और पिछले साल का एक वाक्य शेयर करना चाहूंगी, जहां पे भी हम लोगों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया है और जो है लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे कि हमारे दुश्मन मुल्क ने पिछले साल जो है वो हमला कर दिया था, जो हमारे पाकिस्तान ने जो है वो एक जेट की मदद से जो है वो वहाँ के पायलट को अपने कब्जे में कर लिया था, जो हमारे पीएम साहब ने उनको खैर सगाली के तौर पर जो है वो वापस कर दिया था। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो हम सबके लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, और हम लोग हर साल जो है वो कोशिशें करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे अपने पाकिस्तान पर और अपने मुसलमानों पर फख्र है कि वो आगे भी चलते रहेंगे और किसी भी आजमाइश से नहीं जो है वो अपना मुंह मोड़ेंगे, बल्कि उस आजमाइश का जो है वो हंसी खुशी उसे कबूल करेंगे और उसका सामना करेंगे। जी बिल्कुल, वेल डन। आपने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली, इरम ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोशिश कर ली अच्छी अच्छी बातें करने की। तो ये तो बात बिल्कुल तय है, लोहे कलम पे लिख दी गई है कि जब जब दुश्मन की नापाक नजरें हमारे अर्ज़ वतन पे पड़ेंगी, तो हमारे जवान डट कर मुकाबला करेंगे, ऐसा ही है ना जी। तो ये तो कोई भूले नहीं, किसी को भूलने की जरूरत भी नहीं है। तो और बताएं, और आप लोगों ने, वैसे कल संडे भी था, तो सिर्फ यौमे दिफा नहीं था बल्कि संडे भी था, तो संडे को कैसे गुजारा आपने? फिर आपने क्या किया? कुछ खास नहीं, बस घर पे ही रहना था, जाना कहाँ था, कहीं जाना तो था नहीं, सिर्फ घर में ही कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, और बस कुछ और कुछ नहीं। सही 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 सही। तो अक्सर आपने क्या किया फिर? मैं भी संडे को जो है वो अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, वो काफी अरसे से बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लॉकडाउन और मतलब दिल ही नहीं करता था कि बंदा जो है वो घर से बाहर निकले इस बीमारी का सुन के। तो अब मैंने कहा कि नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया तो फ्रेंड के घर जाना चाहिए। तो वहाँ गई थी, बहुत मजा आया था, बहुत इंजॉय किया था। मैं समझा कि आप लोगों ने संडे को संडे गुजारा होगा, बिल्कुल सुन, लेकिन बहरहाल। अच्छा जनाब, अपने ही शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक मैं जिक्र और करना चाहूंगा कि अभी जो हालिया बारिशें गुजरी हैं, तो उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सी बात करना चाहूंगा कि किस तरह की तबाही हुई है हमारे पूरे मुल्क में, और ये हमारे अपने ही जो है अहलियाँ हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये तबाहकारियों का हमें सामना करना पड़े। हालांकि देखा जाए तो बारिश हमेशा रहमत बरसती है, रहमत बन के बरसती है, लेकिन ये हमारी अपनी ही ना अहलियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो रहमत जहमत में तब्दील हो जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला जितने भी मामलात बिगड़े हैं या जितने भी तबाहियाँ हुई हैं, अल्लाह ताला उनको संवारे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे, और हमें जज्बा दे, हमारे हुक्मरानों को जज्बा दे कि वो इसको सुधार सकें, और जितनी भी लोगों के नुकसानात हुए हैं अल्लाह ताला उसका अपने खजानों से अजाला करे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो इरम, हमारी रिवायत जो है मेरे शो की या हमारे शो की कंपनी के शो की रिवायत है, उसको बरकरार रखते हुए तो किसी को बुलाएं भाई, किसी को बुलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं। आप बुलाना चाहेंगे, मैं बुला दूं, क्या ख्याल है? ओ भाई, वो तो ऐसे ही है, वो किसी को बुलाए ना बुलाए वो खुद ही आ जाएंगे, हम कहते रह जाएंगे।
देखा ये देख लो अबे ओए हमारे गेस्ट आ चुके हैं, रुक जाते हैं। नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं खुद आ जाती हूँ भाई, मैं कहीं रुकती रुकती नहीं हूँ, जहाँ काम मिलते हैं वहाँ काम करने आ जाती हूँ मैं। ओए आपा यहाँ पे कोई काम शाम नहीं था हमारे पास, हमने तो आपको फिर से दिलजोई के लिए बुलाया था। चले बहरहाल आपको गुजरा हुआ, सबसे पहले तो गुजरा हुआ है हमारा यौम दिफा, बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो और खैर मुबारक। अच्छा और शकूरन आपा आपकी तबीयत कैसी है, क्या हाल चाल है आपके, और आपने कल का दिन जो है वो किस तरह गुजारा था कुछ बताएंगी? हमारी तो छुट्टी भी नहीं होती है, इतवार था तो छुट्टी भी नहीं थी, साहब जी ने बोला काम करने के लिए आ जाओ, यह हमें देवा है और आज संडे भी मेहमान आएंगे। अच्छा तो मतलब आपको छुट्टी नहीं थी? नहीं कल मेरी छुट्टी नहीं थी, बहुत मुश्किलों से आज का टाइम निकाल के आई हूँ, तुम लोग को नहीं बुलाया था तो तुम लोग की मोहब्बत पे आ गई मैं और तुम लोग तो अरे वाह वाह क्या बात है, छाल रही है आप तो। लेकिन एक और मैं बात बताता हूँ एकदम, ये असल में देखा जाए तो ये भी हमारा दिफा कर रही होती है, पता है आपको ये वो भी कैसे? ये भी एक मुजाहिद है हमारी। अच्छा वो हाँ, कैसे शायद? वो इस तरह के भाई ये अगर सफाई ना करें तो जरासीम हम पर हमला कर देंगे, बीमारियां हम पे हमें आ लेंगी, तो ये हमें ये हमारी तुम्हारा ये स्टूडियो भी तो कितना गंदा है, तुम लोग इसकी सफाई नहीं कराते हो, मुझे रख लो। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल नेकी और पूछ हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे पास काम करें, हमारा स्टूडियो एकदम चमकाना है आपने, ठीक है क्या कहती हैं आप? महीने के 20,000 रुपए लूंगी मैं। अच्छा ठीक है ठीक है आपा, 20,000 आप ले लीजिएगा। पहले रुक तो जाए, मैं एक बात तो कर दूं, आपा सफाई करनी है लेकिन सफाई नहीं करनी, फिर ये याद रखना, साफ नहीं कर देना शायान, आप तो सफाई करनी है स्टूडियो की शायान। लेकिन आपको एक बात नहीं पता इनके बारे में शायान, आपको इनके बारे में एक बात पता है ना? क्या जी? ये सफाई के साथ साथ साफ भी करती है, जानते हैं ना आप? मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ना उनको, आपा सफाई करनी है, साफ नहीं करना स्टूडियो, ये साफ नहीं करूंगी, सफाई करती हूँ मैं, कोई साफ नहीं करती तो कोई सबूत है तो बता रहा हूँ। बिल्कुल है सबूत हमारे पास, पिछली दफा आपके जाने के बाद एक माइक नहीं मिला हमें, अभी तक नहीं मिल रहा वो माइक। मैंने कोई नहीं चुराया तुम्हारे स्टूडियो से माइक, खुद ही तुमने चोरी कर दिया, मेरे ऊपर नाम डाल दिया तुमने। देखा देखा चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया, हमने तो कुछ बात चोरी की बात ही नहीं की थी, हमने तो आपने खुद ही बोल दिया, इसका मतलब आप ही ने चुराया होगा। सफाया भी तो चोरी को कहते हैं ना, चाहे चोरी करो या सफाया करो। अरे वाह यार आप तो हमसे भी समझदार है, लेकिन देखे आपने पिछली बार तो आप ही स्टूडियो में आई थी ना, तो हमें तो आप पर ही डाउट है ना। अच्छा आपा एक और बात बताएं, चलें छोड़ें आप इस बात को छोड़ें, ये बताएं कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, क्योंकि सबके तो काम बंद हो गए थे, तो आपने क्या किया, आपने अपना लॉकडाउन कैसे गुजारा, कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहे थी वो बताएं आप। लॉकडाउन जो था ना वो कामों का लॉकडाउन था, ऑफिसेज का लॉकडाउन था, मेरा लॉकडाउन नहीं था, मैं घरों में भी काम करती हूँ। अच्छा जा रही नहीं तो आप जब किसी घर में जब आप किसी घर में जाती थी सफाई करने के लिए, तो वो आपको ये नहीं कहते थे कि भाई घर बैठो और हमने काम नहीं करवाना? ऐसा कुछ भी नहीं होता था, जब जब सख्ती शुरू हुई ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मास्क नहीं आया करो, तुम लोग की वजह से कोरोना फैल जाएगा। तो ये बताएं आपने आप काम पे मास्क लगा के जाती थी? क्या कहा तुमने, समझ ही नहीं आया। आप काम पे मास्क लगा के जाती थी? हाँ जब जाना पड़ता था तो बाहर वो सब लोग चेक करते थे ना, घर में ऐसे कुछ नहीं देते, तो मजबूरन मास्क लगाना पड़ता था। अच्छा और वो हाथ तो मतलब आप मजबूरी में लगाती थी, आप चाहती नहीं थी कि आप इस बीमारी से महफूज रहे? अरे मेरी सांस बंद हो जाती है जब मैं मास्क लगाती हूँ तो। और फिर आपकी सांस भी है? हाँ मैं तो जीती सांस लूंगी ना। अच्छा वो सांस, मैं सांस समझ रहा हूँ, मैं सांस समझ रहा हूँ कि आपके मास्क, मैं इसलिए तो हैरान हो गया कि मास्क लगाने से आपकी सांस कैसे बंद हो जाती है। अरे सांस बोला, सांस बोला। चले चले ठीक है आप लड़ाई ना करें, देखिए आप हमारी बहुत अच्छी गेस्ट हैं, हमारे स्टूडियो में आप आई हैं, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको नाराज करके भेजें। तो शायान इनसे मजीद बात कुछ करना चाहेंगे या फिर आपा आपको कोई बुला रहा होगा? आपको बुला रहा था, मुझे भी फोन आया था कि वो जरा शकूरन को भेज दो, काम पड़ा हुआ है, तो वो आपको बुला रहे थे शाकिर भाई। अरे मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ, मुझे कोई शकूरन किसी के घर में ऐसे वैसे नहीं जाती मैं, पहले आपस देखे वो आपको जाती हूँ।
हाँ तो आप जो आप बोलेंगे ना आपको वो उतने पैसे देंगे जितने पैसे आप बोलेंगी, आपको पता है। अरे मैं जा रही हूँ, मेरे पास बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। अल्लाह गाड़ी खड़ी, गाड़ी में घूमती है, दैट्स ग्रेट आपा, आप तो नाइस पर्सन है यार, मतलब गाड़ी चले आपा, ठीक एक मासी के पास आप, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, मेरी करीब की गाड़ी खड़ी है, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थी शकूरन आपा, अब इसी के साथ हमारे जो शो का वक्त है वो पता भी नहीं चला और कैसे अख्ताम को पहुंचा है, लेकिन लेकिन मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा आप दोनों को, तो एक नगमा हो जाए मिल्ली नगमा, ताकि जोश और बलबले के साथ हम अपने शो को अख्ताम करें और फिर आइंदा आने वाले शो तक उसी जोश और बलबले में रहें और फिर उसी जोश और बलबले के साथ अपना अगला शो शुरू करें। लेकिन कितना जोश और बलबला मैंने भर दिया शो में, फुल भर दिए, फुल आपके अंदर तो आज एक्स्ट्रा एनर्जी है, बिल्कुल एक्सेल पावर। और वैसे भी आप बोलते ही रहते हैं और आप किसी और को बोलने का मौका देते ही नहीं है, तो फिर हम भी कहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इरम ये बोलते तो हैं, लेकिन आज ही कुछ ज्यादा मतलब देखो उनको, नोट करो कितना एनर्जाइज तरीके से ये बोल रहे हैं। शायद आप हमसे शेयर करें आज किस बात पे खुश हैं। ये होता है ना बस जज्बा होना चाहिए भाई, जज्बा मेरे अंदर जज्बा। अरे वाह वाह भाई वाह, तो हौसला और जो तो आप क्या आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं आप क्या कहना चाहते हैं कि हम दोनों में जज्बा नहीं है। भाई मैं तो आज ताज़ा थोड़ी सी उठी चाहता तो मैंने सारे उठू के जुमले बोल दिया खत्म। देखो देखो मेरी बात सुनो, अभी इनका जज्बा मैं देखती हूँ, सबर रुको शायान, अगर आपके अंदर बहुत जज्बा है तो जरा एक दो लाइनें गा के सुना दें। अरे वाह क्या बात है आपके, मैं तो नहीं नहीं, अब आप तो अपना जज्बा दिखाएं प्लीज, हम भी दिखाएंगे अपना जज्बा, लेकिन पहले आप दिखाएंगे। भाई मैं तो गाऊंगा, बिल्कुल गा लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, जोश और बलबले के साथ गाऊंगा, लेकिन फिर ये मत बोलना कि खुदा का वास्ते चुप कर जाओ, बाद में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बस ठीक है चलेंगे। और अगर लिसनरशिप खत्म हुई तो ये जिम्मेदार आप लोग होंगे, ठीक है भाई लिसनर्स, अगर आप लोग लेकिन सिर्फ एक लाइन गानी है वरना हमारे लिसनर्स जो है ना वो देखा देखा पसंद है, देखा डर गए एक लाइन गानी, अब सिर्फ एक लाइन पे आ गए, पहले दो लाइन बोला था अब एक लाइन पे आ गए। ये इरम ने बोला है, मैंने नहीं बोला, मैं तो देखे आप खुश, आप देखे आपको इतने में भी खुश होना चाहिए कि आपको एक लाइन गाने का मौका मिल रहा है। भाई मैं भी गा लेता हूँ, लेकिन वही फिर अगर मैं अगर जो मिलने लगा मैं गाऊंगा ना तो फिर वही आप लोगों को भी गा के सुनाना होगा, ठीक है जी, तय है, मंजूर है, ठीक है, मंजूर है, मंजूर, चलो मंजूर है, मंजूर भी है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख़ाइस के। चले भाई मैंने तो दो लाइनें गा दी हैं, इससे ज्यादा मैं मेरे में हिम्मत और जोश और बलबला फिर ज्यादा ऐसा ना हो कि उबल उबल के बाहर आ जाए, तो मैंने तो पैसे की गा दी है, अब आप लोगों की बारी है, तो स्टार्ट करें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा पाईस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन आफ्ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, दरोबर तुम्हारी है, चाले रे गुजर तुम्हारे है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख़ाइस के।
इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। वाह 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 क्या वाह 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 क्या बात है आपकी शायान, जबरदस्त जबरदस्त, क्या खूब अंदाज था आपका पढ़ने का। मेहरबानी। चले जनाब, इसके साथ वक्त का अंदाजा भी नहीं हुआ और हमने किस तरह आप लोगों के साथ वक्त गुजारा अपने लिसनर्स के साथ। यकीनन हमें आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे अपने प्यार से, हमें वहाँ पे प्यार का वहाँ पे इजहार करेंगे। तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे नई सुबह के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहें। क्यों भाई, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है शायान, और आज का शो बहुत जबरदस्त गया, मुझे बहुत मजा आया। हर शो की तरह इस बार मैं बहुत पुरसकून होके और खुश होके यहाँ से जा रही हूँ। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल आ गया है, अब आप चले जाएं वरना ये ना हो कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो खुद ही अब हमारा शो सुनना बंद कर दें कि ये लोग तो जा रहे नहीं है, हम ही जो है वो बंद कर दें। तो लिसनर्स उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ही मजा आया होगा हमारे आज के शो, आज का शो सुनकर। तो इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप तमाम लिसनर्स को अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। तो जनाब इसी दुआ के साथ मैं भी अब आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला रहती दुनिया तक इस अर्ज़ पाक को कायम और दायम रखे और इसकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।